से ये पुलिस द्वारा एक एक्सटेंड डायरी बनाई गई है, उससे जनता में क्या मैसेज आ रहा है? पुलिस द्वारा जो एक्सटेंड डायरी बनाई गई है, इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में बहुत तरह की अफवाहें फैलती हैं, जिससे पुलिस को गाँव में भागना पड़ता है। जब पुलिस के पास गाँव के लोगों के संभ्रांत लोगों के नंबर होंगे तो पुलिस उनसे डायरेक्ट पूछ सकेगी और वो सटीक सूचना दे सकेंगे, जिससे पुलिस की और जनता की दूरियां भी कम होंगी और पुलिस को ज़्यादा परेशानियों में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका प्रभावी तौर पर अच्छा रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि पुलिस हर गांव में एक साथ नहीं भाग सकती, लेकिन फोन से हर समय हर गाँव में बात कर सकती है। इसलिए इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और कोई भी अफवाह या गलत तरह की सूचनाएं भ्रमित तरह से नहीं फैलाई जा सकती। देखते हुए कि एक्सटेंड डायरी पुलिस द्वारा बनाई गई है, क्या महत्व है इसका? इसका यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इससे पुलिस से संपर्क बना रहेगा, गांव और शहर में जो अफवाहें फैलती हैं गली मोहल्लों में उससे संपर्क बना रहेगा और दूरी कम होगी और भय भी कम होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है और चुनाव के समय में बहुत सी वारदातें होती हैं, वो भी कम होंगी इससे, क्योंकि पुलिस हर जगह जाने में सक्षम नहीं होती और काम बहुत रहता है चुनाव का, और चुनाव के समय में ये संपर्क बना रहेगा तो पुलिस से दूरियाँ कम होगी और पुलिस का भय भी कम होगा। ये बहुत अच्छी पहल है। जनता में क्या मैसेज जाएगा? जनता इससे जुड़ेगी तो जनता अफवाह फैलाने में थोड़ा कमी आएगी, अफवाह नहीं फैलाएंगे, क्योंकि उन्हें यह भय रहेगा कि कहीं पुलिस पर हमारी लोकेशन पहुंच जाए और कोई हमारी शिकायत न कर दे तो उससे वो भी हजार तत्व है वो भी डरेंगे इससे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार। राम कुमार, आप क्या काम देखते हैं? ये क्या उद्देश्य है इसका और किस तरीके के फायदे मिलेंगे इससे? ये जो डिजिटल डायरी बनाई गई है, ये डीजी परिपत्र के क्रमानुसार जिसमें S10 का गठन की बात की गई थी उसी इसमें बनाई गई है। ये डिजिटल डायरी कुल मिलाकर S10 नाम का ऐप है, जिसमें जो हर गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति है, 8 से 10 संभ्रांत व्यक्ति है जो उसकी गांव में अच्छी पकड़ है और जो छोटे मोटे झगड़े सुलझा सकते हैं और पुलिस की मदद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के मोबाइल नंबर इसमें फीड किए गए हैं। और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि डेली जो बीट कॉन्स्टेबल है, जो उस बीट का बीट कॉन्स्टेबल है, उनमें से किसी एक व्यक्ति से, जो उनकी बीट के गांव है उनमें से किसी एक व्यक्ति से डेली बातचीत करेगा, इससे उसको उसके गांव के बारे में जानकारी भी मिलेगी। चुनाव के मद्देनज़र ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि चुनाव में इसका भरपूर सहयोग पुलिस को मिलेगा। जो वल्नरेबल गांव हैं या वल्नरेबल मजरे हैं जहां पे लोग पीड़ित पक्ष है, उसमें गांव में एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए भी इन लोगों का यूज़ किया जाएगा, और गांव में ऐसी कोई घटना चुनाव के मद्देनज़र कोई घटती है तो इसमें इन लोगों का सहयोग लिया जाएगा। सर, पुलिस के लिए कितना कारगर रहेगा ये? पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसमें सारे गाँव के व्यक्तियों के जो संभ्रांत व्यक्ति उनके नंबर फीड हैं, तो कहीं भी किसी भी गाँव में कोई घटना घटती है तो आपके पास एक अवेलेबल टोटली एक डायरी अवेलेबल है जिसमें आप तत्काल उनसे बात कर सकते हैं ताकि वो तत्काल मौके पर पहुँच कर उस घटना को संभाल सके। तो ये पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जनता पुलिस में दूरियां बनती जा रही हैं, तो डेली जब बीट कॉन्स्टेबल बात करेगा तो कहीं ना कहीं नजदीकियां बनेंगी। ये बिल्कुल बहुत नजदीकियां बनेंगी और इसमें एक विश्वास भी बढ़ेगा कि भाई पुलिस हम लोगों से पूछ रही है और हमारी संभ्रांत व्यक्ति होने का जो मतलब है उसका सही में पुलिस सम्मान कर रही है।